हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमारे टॉपिक का नेम है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सीअर्चन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जिसमें स्पर्म जो होता है वो फीमेल बॉडी के आउटसाइड एग को फर्टिलाइज करता है। सीअर्चन क्या है? फाइलम इकाइनोडर्म का एक मेंबर है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमने पढ़ना क्या है। ये एक एग है सी अर्चन का। यहाँ पे क्या है? जेली कोट, यहाँ पे विटलाइन इनवेलप, सेल मेम्ब्रेन और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि जो जेली कोट है वो केमिकल्स को रिलीज करती है। ये केमिकल्स जो होते हैं स्पर्म की रिसेप्टर साइट के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं। जब ये केमिकल्स स्पर्म की रिसेप्टर साइट के साथ आके अटैच हो जाते हैं तो ये स्पर्म जो होते हैं एग की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं और एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। फिर बता रहा हूँ कि जेली कोट से केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स स्पर्म की रिसेप्टर साइट के साथ आके अटैच हो जाते हैं और एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। इस फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये सारा का सारा मैकेनिज्म बाहर हो रहा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चन। हाउ ब्रिंग टू वेरी स्मॉल सेल्स टूगेदर इन अ वेरी लार्ज स्पेस, हाउ टू इंश्योर डैट ओनली स्पर्म एंड एग ज्वाइन। कहते हैं कि हमने क्या पढ़ना है, किस तरह स्मॉल सेल जो होते हैं स्पर्म एंड एग एक दूसरे के करीब आते हैं और दूसरे में हमने क्या पढ़ना है, किस तरह स्पर्म जो होता है वो एग को फर्टिलाइज करता है। फर्स्ट हम बात करते हैं स्पर्म अट्रैक्शन। स्पर्म्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एग बाई कीमोटैक्सिस अंडर द डिस्टेंस ऑफ केमिकल सिक्रेटेड एग। कहता है कि जो एग होता है वो केमिकल्स को रिलीज करता है। वो केमिकल जो होते हैं स्पर्म के साथ आकर अटैच हो जाते हैं। स्पर्म जो होता है एग की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। रोल ऑफ रिसेक्ट। रिसेक्ट क्या है? एक केमिकल है जो कि एग रिलीज करता है। द मैकेनिज्म ऑफ कीमोटैक्सिस डिफर अमंग स्पीशीज। वन कीमोटैक्रिक मॉलिक्यूल ऑफ 14 अमीनो एसिड पेप्टाइड कॉल्ड रिसेक्ट हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम एग जेली ऑफ सी अर्चन अरबेशिया पंचुलेटा। रिसेक्ट अट्रैक्ट अरबेशिया स्पर्म। कहते हैं कि जो मैकेनिज्म है कीमोटैक्सिस का हर स्पीशी के अंदर मुख्तलिफ है। एक मॉलिक्यूल है जिसे हम रिसेक्ट कहते हैं, वो 14 अमाइनो एसिड के साथ मिलकर बनता है। ये वो केमिकल है जो कि एग की जो जेली कोट होती है वो रिलीज करती है। कौन रिलीज करता है? अरबेशिया पंचुलेटा। अरबेशिया पंचुलेटा जो होता है इसका जो एक एग है यहाँ से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम रिसेक्ट कहते हैं। ये क्या करता है? अरबेशिया स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या था कि सी वाटर का एक ड्रॉप लिया जिसमें अरबेशिया स्पर्म मौजूद थे, उसे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में रख दिया और माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। हमें नजर आया कि जो स्पर्म थे वो सर्कल में मूव कर रहे थे। फिर हमने क्या किया कि थोड़ी सी मकदार में रिसेक्ट को माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के अंदर इंजेक्ट किया। फिर हमें नजर आया कि जो स्पर्म थे वो माइग्रेट करना शुरू कर दिया रिसेक्ट की तरफ। अब हम पढ़ लेते हैं। व्हेन अ ड्रॉप ऑफ सी वाटर कंटेनिंग अरबेशिया स्पर्म इज प्लेस्ड ऑन अ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। कहते हैं कि हमने सी वाटर का एक ड्रॉप लिया जिसमें अरबेशिया स्पर्म मौजूद थे, उसे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में रख दिया और ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। द स्पर्म जनरली स्विम इन अ सर्कल। स्पर्म जो थे वो सर्कल में मूव कर रहे थे। व्हेन अ मिन्यूट अमाउंट ऑफ रिसेक्ट इज इंजेक्टेड इनटू स्लाइड स्पर्म माइग्रेट टू रिसेक्ट विद इन सेकेंड्स। कहते हैं कि जब हमने थोड़ी सी मकदार में रिसेक्ट को स्लाइड के अंदर इंजेक्ट किया स्पर्म जो थे वो माइग्रेट करना शुरू कर दिया रिसेक्ट की तरफ कुछ ही सेकेंड में। रिसेक्ट इज स्पेसिफिक फॉर अरेबिका अरबेशिया पंचुलेटा। कहते हैं रिसेक्ट जो केमिकल है वो अरबेशिया पंचुलेटा के लिए मखसूस है एंड डज नॉट अट्रैक्ट द स्पर्म ऑफ द अदर स्पीशीज। और दूसरे स्पर्म जो होते हैं स्पीशीज के उनको अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं करता। अरबेशिया पंचुलेटा स्पर्म हैव द रिसेप्टर्स इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट बाइंड डिसेक्ट एंड स्विम अप अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ दिस कंपाउंड अंटिल दे रीच द एग। कहते हैं कि जो अरेबिका या अरबेशिया पंचुलेटा जो स्पर्म है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि रिसेक्ट को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। जब ये बाइंड कर लेते हैं तो स्पर्म जो होता है वो एग की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है। रिसेक्ट इज ऑल्सो एक्ट एज अ स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड। रिसेक्ट जो होता है जब स्पर्म के साथ अटैच हो जाता है बाइंड कर लेता है तो स्पर्म को एक्टिवेट कर देता है।
जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, स्पर्म मोर्टेलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। द स्पर्म रिसेप्टर फॉर दिस सैक इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एंड व्हेन इट बाइंड दिस सैक ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर साइट अ कन्फर्मेशनल चेंजेस अकर ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइट सो माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी जनरेटिंग अपरेटस एंड डायनिन एटीपेस दैट स्टिमुलेट फ्लेजेलर मूवमेंट इन स्पर्म। कहते हैं कि जो स्पर्म के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रोटीन के साथ मिलकर बना हुआ है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। जब ये रिसेप्ट जो होता है स्पर्म की रिसेप्टर साइट के साथ आके अटैच हो जाता है तो कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेटिंग अपरेटस और डायनिन एटीपेस जो होता है ये स्टिमुलेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जो कि क्या करता है मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है स्पर्म की। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये एग है, यहाँ पे जेली कोट है जो कि केमिकल्स को रिलीज करती है। ये केमिकल जो होते हैं स्पर्म की रिसेप्टर साइट के साथ आके अटैच हो जाते हैं और जो स्पर्म होते हैं एग की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, स्पर्म है, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रेजेंट है। रिसेप्टर के साथ आके इस एग जब अटैच हो जाता है तो ये क्या करता है CAMP को एक्टिवेट कर देता है, जो कि कैल्शियम चैनल को स्टिमुलेट करते हैं और कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाते हैं। जब कैल्शियम चैनल अंदर दाखिल हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है एग की तरफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।